सो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पे हमने जो गेम प्ले किया है काफ़ी मैसिव है और इसकी FPS भी काफ़ी इंक्रीज है विथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग और विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोनों लेके आया हूँ। इसके बाद हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी चेकआउट कर लेंगे तो FPS आपके सामने ही मिलेगी। 25-30 FPS हमको मिल रही है विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तब हमको 15-20 FPS मिलता है, वो भी आपको आगे शो ऑन कराऊंगा। और साथ ही साथ में आपके ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जिनको लेके आप कंफ्यूज हो तो आज पूरा का पूरा मैं सेटअप बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको टर्मक्स बॉक्स ही यूज़ करना है, जो कि मैंने कल की डेट में आपको दी थी सेटिंग्स, वही वाली लगानी है सेम सेटिंग। उसके बाद आपका नहीं हो रहा है, फेटल एरर आ रहा है, तो आपको 3 वाला ऑप्शन है डिजेबल करना है, D3 का। आपको जैसे ही मैंने कल की डेट में सेटिंग बताई बस वही अप्लाई करनी है, नहीं तो आप में फेटल एरर आएंगे, मुझे पता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी करके रखा था। अगर आपको फेटल एरर आ रहा है तो आपको पूरा से रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट भी काफ़ी नॉर्मल ही है, आपको जैसे ही जाओगे नीचे रीसेट का ऑप्शन आता है, उसको रीसेट करके टर्मस बॉक्स को फिर से आपको जैसे मैंने कल वाली सेटिंग बताई है, जो नंबर मैंने बताए थे उस वीडियो की मैं लिंक दूंगा, आप उसको मेक श्योर काफ़ी अच्छे से चेक कर लेना। और हाँ, रही यहाँ पे मॉप बॉक्स, तो मॉप बॉक्स में अभी कई सारे एरर आ रहे हैं, जिनको भी विदाउट रूट को लेके प्रॉब्लम आ रही है मैं बता देता हूँ, मॉप बॉक्स में अभी नहीं यूज़ हो रहा है, काफ़ी सारों को एरर है। लेकिन आप टर्मक्स बॉक्स में जाओगे जो मैंने सेटिंग बताई है उस पर ही आप बस रखना, और कोई भी सेटिंग को हमको यूज़ नहीं करना है, 8.12 को हमको यूज़ करना है, ठीक है। वाइन जब हम स्टार्ट करते हैं टर्मक्स बॉक्स को मैंने बता दिया है, वो भी फाइनल आपको वही वाला यूज़ करना है। फिर इसके बाद जो मैंने सेटिंग दी है उसको ही अप्लाई करना है, और आपको कुछ नहीं करना है, मोब बॉक्स में सिर्फ रूटेड डिवाइस में ही चलता है, और कोई भी आपका डिवाइस नॉर्मल होगा तो एरर आने वाले हैं। टर्मक्स बॉक्स अभी आज की डेट में ये मेन टर्मक्स बॉक्स ही है जो मोब बॉक्स को रिलीज़ किया था, सबसे पहले टर्मक्स बॉक्स आया था, इसके बाद मोब बॉक्स आया था। तो अभी आपको सामने मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है, मैंने यहाँ पे कुछ एडिटिंग नहीं किया, आपके सामने सब नॉर्मल ही है। सेटिंग्स मैंने वही लगाई है जो कल की डेट में दिखाई थी, और कोई भी सेटिंग हमको यूज़ करनी नहीं है। DXV के आप चेकआउट कर पा रहे हैं कॉर्नर में, मैंने यहाँ पे चेंज रखा है क्योंकि ग्राफिकल इशू है, उसको भी हम सेट कर लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं टेंशन वाली बात। ग्राफिकल इशू तो होते ही हैं स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे करके सब फिक्स हो जाएगा। टर्मक्स बॉक्स सिर्फ स्नैपड्रैगन डिवाइसेस के लिए ही कंप्लीटेबल है, डायमेंसिटी वगैरह आपका एक्जिनोस हो तो हाल फिलहाल उनमें तो रन नहीं होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट क्या टेस्ट करना है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, तो ज़रूर से ज़रूर उस पर हम ट्राई करेंगे टेस्ट करने की। जिन्होंने कल की सेटिंग्स नहीं देखी है मैंने लिंक मेंशन की है, उस सेटिंग को आप यूज़ करो टर्मक्स बॉक्स के अंदर। सो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, नया है तो सब्सक्राइब करना। बाय फ्रेंड्स।